नमस्कार दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अशोका वाटी यूनिवर्सिटी ने सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बीबीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। रेगुलर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट का सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी एग्जाम है कितनी तारीख से स्टार्ट है और कितनी बजे आपकी एग्जाम लगेगी, कौन कौन से पेपर हैं। इसी के साथ स्पेशल बीएड का टाइम टेबल जारी हो गया है और एलएलबी डू पेपर वालों का भी टाइम टेबल जारी हो गया है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं अशोका वाटी यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार टाइम टेबल जारी किया है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि 5 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ पेज को और फिर आपको टाइम टेबल अब दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं अशोका वाटी यूनिवर्सिटी ने जो टाइम टेबल जारी किया, देख सकते हैं 19 तारीख को आज जारी कर दिया गया है, थोड़ी देर पहले जारी हुआ है। और 5 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है जो कि आपको देखने को मिल रही है, और ट्यूसडे को आपकी एग्ज़ाम है। पहला पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो कि पार्ट फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, जिनके पेपर फर्स्ट ईयर के बैच चले आ रहे हैं, तो उनकी एग्ज़ाम है 11 से 2 बजे के बीच होगी। यहाँ पर साइंस वालों का, यहाँ पर जनरल इंग्लिश का है, कॉमर्स वालों का यहाँ पर इंग्लिश का है, आर्ट्स वालों का भी इंग्लिश का, ये पेपर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है जो कि पार्ट सेकेंड है, जो कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर का आपका कोई पेपर बैक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी एग्ज़ाम है। साइंस के अंदर यहाँ पर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट फिजिक्स का है, बॉटनी और ज्योग्राफी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, ये फर्स्ट पेपर आपका लगेगा। फिर कॉमर्स है तो यहाँ पर भी एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएफएम, ये पेपर लगेगा। और आर्ट की मैं बात करता हूँ तो ये पेपर मैथमेटिक्स का है, फर्स्ट पेपर लगेगा, जो कि आर्ट सब्जेक्ट है उनके अंदर देख सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ, आप फाइनल ईयर के अंदर थे और सप्लीमेंट्री आ गए, कुछ 1 या 2 पेपर बैक रह गए हैं, तो उनकी एग्ज़ाम आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी एग्ज़ाम है। और पहला पेपर केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये आपका फर्स्ट पेपर होगा। और सेकंड पेपर और सॉरी कॉमर्स के अंदर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट पेपर है बीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ईएफएम का है, और मैथमेटिक्स का आर्ट्स के अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल है जो कि आप देख सकते हैं, और आपकी एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ, इस हिसाब से आपको देख लेना है। टाइम मैंने बता दी है और आपका 5 नवंबर का भी पेपर है, 6 को भी है, 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है, 11 नवंबर को लास्ट पेपर होगा। अब इसमें यह है कि जो भी आपका पेपर बैक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर का एक पेपर बैक चला रहा वो है, एक सेकंड ईयर का, आपके अधिकतम 2 या 3 पेपर हैं आपके अधिकतम, तो 2 पेपर आपके कौन से हैं, किस डेट को है, क्या समय है, तो आप देख सकते हैं कि या तो फर्स्ट ईयर का आपका पेपर बैक था एक, तो आप देख सकते हैं कि उसका टाइम है, आप देख सकते हैं सुबह 11 से 2 बजे एग्ज़ाम होगी। यदि आपका सेकेंड ईयर का कोई पेपर बैक है तो उसका टाइम है 3 से 6 बजे एग्ज़ाम होगी। जो भी आपके पेपर हैं, जो पेपर हैं आप नाम नोट कर लें और डेट टाइम है वो नोट कर लें, और जो फाइनल वाले हैं स्टूडेंट हैं और उनका पेपर है 7 से 10 बजे है, तो आपका जो भी पेपर है वो आप देख लीजिए, जिस भी फैकल्टी में आप हैं, जो पेपर हैं आपके 1 या 2 पेपर हैं आपका, चाहे फाइनल ईयर का एक पेपर हो सकता है या सेकंड ईयर का एक पेपर, एक फर्स्ट ईयर का हो सकता है या फिर एक फाइनल ईयर का, कोई भी 2 पेपर आपके जो कि पहले के बैच चले आ रहे हैं या फिर इस बार रह गए हैं। तो ये तो मैंने बता दिया है बीबीएससी बीकॉम का। अब मैं अगला टाइम टेबल की बात करता हूँ, जो कि ये टाइम टेबल ये है जो कि आपको साफ नहीं दिख रहा है, तो एक बार के लिए आप ये टाइम टेबल है यहाँ से देख सकते हैं, और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। एक बार मैं आपको पुनः अवगत करवा देता हूँ, जो बीबीएससी का टाइम टेबल है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन जिन्होंने अभी तक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म नहीं लगाया है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म लगाने से वंचित रह गए हैं, तो उनको मौका दे दिया गया है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं 24 तारीख तक, 24 है या फिर 21 है वो आप देख लीजिए टेलीग्राम पर डेट है, मेरे हिसाब से जो आपकी डेट है वो 24 रखी गई है, कि 24 तक आप एक बार पुनः आवेदन कर सकते हैं, आप 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ, 24 है या 21 है वो एक बार आप टेलीग्राम पर ज़रूर देखेंगे, मेरे थोड़े से दिमाग में नहीं है डेट, तो आप टेलीग्राम पर देख लेंगे और पुनः अवगत मैं बार बार आपको कराता रहूँगा। तो ये जो आपका डेट जो साफ पीडीएफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा। अब मैं बात करता हूँ बीबीए टाइम टेबल की बात करता हूँ, तो 5/11 को वो जो बीबीए वाले स्टूडेंट हैं जिनकी सप्लीमेंट्री आई है, तो उनका पेपर है बिजनेस
एंड मैनेजमेंट वाला पेपर है, 5 को जिन भी स्टूडेंट का ड्यू पेपर है वो देख सकते हैं, और 11 से 2 बजे तक एक एग्जाम रहेगी। 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपका पेपर है देख लीजिए कौन सा बैक है, वो पेपर आप देख सकते हैं, टाइम टेबल नोट कर लीजिए। और मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि BBA पार्ट यहाँ पर सेकेंड ईयर का जो भी पेपर बैक है वो फर्स्ट ईयर वाला था, ये फर्स्ट ईयर के अंदर कोई किसी का पेपर बैक चल रहा है तो उनका टाइम टेबल है, और ये जो पेपर आपका BBA के अंदर सेकेंड ईयर का कोई पेपर बैक चला रहा है तो वो है, जो कि 3 से 6 बजे एग्ज़ाम लगेगी, और BBA के अंदर थर्ड ईयर के अंदर कोई पेपर बैक है तो सप्लीमेंट्री का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 7 से 10 बजे एग्ज़ाम लगेगी। और उसी के साथ मैं बात करता हूँ BCA की, मैं बात करता हूँ तो यदि BCA के अंदर फर्स्ट ईयर का अंदर ये कोई पेपर बैक चला रहा है तो वो आपका टाइम टेबल ये है आपको देखने को मिल रहा है आपकी एग्ज़ाम, और फिर BCA के अंदर सेकेंड ईयर का कोई पेपर बैक चला रहा है तो उसका टाइम टेबल ये है, 3 से 6 एग्ज़ाम है, और BCA के अंदर थर्ड ईयर का कोई पेपर बैक चला रहा है या बैक आया है तो ये आपका पेपर है, 7 से 10 आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, 5 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब मैं बात करता हूँ BEd स्पेशल BEd फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जितने भी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि स्पेशल BEd का टाइम टेबल कब आएगा, तो स्पेशल BEd का टाइम टेबल है जारी कर दिया गया है, 5 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है BEd फर्स्ट ईयर स्पेशल BEd वालों की, सुबह 7 से 10 बजे तक आपकी एग्ज़ाम रहेगी, और ये जो पेपर आप पहला आपका देख सकते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पहला पेपर है 5 तारीख को है, फिर 6 को 7 को 8 को है, फिर 9 को 11 को 12 13 और 14 16 और 18 को होने वाला, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था कि नवंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी एग्ज़ाम, तो ये आपका टाइम टेबल आप देख लीजिए, जो भी आपका पेपर है जो आपकी पेपर लग रहे हैं वो सभी देख लीजिए, ये सभी पेपर लगेंगे, सब्जेक्ट का पेपर आप और देख सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ स्पेशल BEd सेकेंड ईयर का टाइम टेबल की, मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये भी 5 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है और एग्ज़ाम का टाइम है 3 से 5 रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई पेपर 2 घंटे के, कई पेपर 3 घंटे के, जो कि आप देख सकते हैं कि ये 5 तारीख को है ये 2 घंटे का पेपर है, फिर 8 यहाँ पर जो आपका 7 तारीख का है वो 3 घंटे का पेपर है, तो इस प्रकार जो भी आपका पेपर है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोग्राम ऑफ LLB फर्स्ट ईयर के ड्यू पेपर वाले स्टूडेंट हैं तो उनका भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, उनके एग्ज़ाम भी 5 नवंबर से स्टार्ट है, और ये आप पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं, टाइम है 11 से 2 बजे इनकी एग्ज़ाम होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ LLB सेकेंड ईयर ड्यू पेपर वाले स्टूडेंट है, टाइम टेबल देख लें अपना, 5 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 3 से 6 बजे आपका एग्ज़ाम रहेगी, और फिर LLB थर्ड ईयर वाले ड्यू पेपर वाले स्टूडेंट देख लें, 5 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, सुबह 7 से 10 बजे आपका पेपर लगने वाला है, और ये आपका देख लीजिए पूरा टाइम टेबल है, मैंने बता दिया है, तो ये टाइम टेबल है मैंने बता दिया है, खासकर सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट है वो ध्यान देवेंगे, और आपका वो एक बार मैं पुनः अवगत करवा देता हूँ, जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो ध्यान देंगे स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो उनके लिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि यहां पर टूर्नामेंट वाला है ये, और उसके बाद तो जो आपका एक मिनट आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं आपको बता जो भी है कहां, वो PDF नहीं मिल रही है मुझे, जो वंचित रह गए स्टूडेंट उनके लिए बता रहा हूं, आपने फॉर्म फिल नहीं किया था तो उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, ये नोटिस LLB का हो गया है, ये सप्लीमेंट्री का हो गया है, ये बास्केटबॉल वाला, हाँ ये जो ईयर है ये है सप्लीमेंट्री डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो एक बार आपको पुनः मैं दिखा रहा हूँ जो ये रही जो डेट है, ये डेट आप देख 21 है, सॉरी मैंने 24 बताया था तो 21 है, 21-10 तक आप एक बार पुनः पोर्टल खोल दिया गया है, सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट है कृपया ध्यान देंगे, और 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ लगेगी, क्योंकि जो आपकी फ़ीस है वो प्लस 100 रुपये एक्स्ट्रा और लगेंगे, तो 21 तारीख तक आप अपना लगा सकते हैं फॉर्म, तो जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, थैंक यू, धन्यवाद।